नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां इस समय शीतलहर व ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। लेकिन देखा जा रहा है कि रीवा नगर निगम द्वारा रीवा शहर के अंदर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जब हमारी टीम ने रीवा शहर के साईं मंदिर का जायजा लिया, तो देखा कुछ गरीब गुजर बसर करने वाले परिवार से जब हम लोगों ने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और 4-5 साल से हम लोग इसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं अब गरीब परिवार कचरा इकट्ठा कर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर नगर निगम अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं आवा किया, जो आवा थी लकड़ी से जग गए आदमी गड्ढाई दी, यहाँ से 2-3 जगह से फोटो उतार लेते आइया मनाई पन्नी कट डल ताप रहा आओ नगर निगम वाले कोई नहीं रहते। हाँ, लकड़ी एक जगह गिरा तो उनसे सब जाने हैं, तो सब जन में कहाँ से बैठे आप लोगों को नहीं मिलता नगर निगम से आगे टापने के लिए? नहीं तो जो मिलता ये पन्नी टापते पन्नी अभी टापते। हाँ, पन्नी अब 8-10 साल से पूछ ली। ये कौन सी जगह है? या साईं बाबा कोई भी अधिकारी नहीं आया आपके पास? नगर निगम में कोई अधिकारी आया आप लोगों के पास? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? हमारे राम नरेश। ये क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? नतीश खान। ये कौन सा स्थान है? ये साईं बाबा का मंदिर है, घोरा चौराहे के पास जो साईं मंदिर है। नगर निगम वाले आ गए? नगर निगम वाले आते हैं भैया, 1-2 दिन से लकड़ी गिरा के चले जाते हैं। 50-100 पब्लिक रहती है, 100 पब्लिक में 3 दिन लकड़ी, 10 किलो लकड़ी में 100 लोग को तो पूछ नहीं सकता है। तो पूछ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। इतनी ठंडी में आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब क्या बताएं भैया, कपड़ा लत्ता अन्नी पन्नी इधर से गरीब बेचारे सब दिन खिलाते हैं। लोग कबाड़ उबाड़ जब पीनने जाते हैं ठेलिए लेके, अब जाएंगे आइए ठेलिए मेरी खड़ी है अभी बिन के आए, इसमें कुछ बोरा फट्टी लिया है वही जलाएंगे बेचारे लोग, सब तापेंगे हम लोग सब बहन भाई माता। नगर निगम से कोई अधिकारी वगैरह आया आप लोगों को देखने? अधिकारी कोई नहीं आया भैया, 2 बार ये 12 बार लकड़ी हम लोग को मिली है। मतलब जब कम्प्लेन किए तब वहाँ कुछ भाई लोग ने किया तब मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नतीश खान है। कागज चला रहे हैं।